चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। ठीक है, वाइट वाली कबूतरी बच्चों को किस तरह फीड करा रही है वो देखें, वो बागी है। ठीक है, खाओ 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 खाओ। पायलट के आगे और उसकी मुर्गियों के आगे दाना वगैरह फेंक दिया। उसके अलावा राजा भी अभी बहुत बेताब है और बादशाह और इसकी मुर्गी भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे। दोस्तों वेलकम हो गया आपका न्यू व्लॉग के अंदर। तो दोस्तों रात को बारिश है ये काफ़ी ज़्यादा, और जहाँ पे पायलट बंद होते हैं और साथ उसकी देसी मुर्गियाँ बंद होती हैं ना, वो केज भी सारा ठीक है पानी से भर गया अंदर। यहाँ पर रात को मेरे ख्याल से पानी आता रहा, काफ़ी ज़्यादा पानी आया अंदर। ठीक है, तो ये जो है ना सारा गीला हो गया। और माशाल्लाह देसी मुर्गी ने आज एक अंडा भी दिया है, ये भी उठाते हैं अभी। और दोस्तों क्या कहते हैं रानी को, आज मैंने बंद कर दिया बादशाह वाले केज में। ठीक है, जहाँ पे बादशाह बंद होता है तो यहाँ पे रानी बंद है आज। और रानी देखें ज़रा कितना ज़्यादा शोर मचा रही है। तो अभी रानी को भी निकालते हैं बाहर ताकि ये भी घूम फिर लें। माशाल्लाह सारे चूज़ एक्टिव हैं। और दोस्तों आज हमें ख़ास तौर पर रखना पड़ेगा ख्याल रानी का, उसके चूज़ों का, क्योंकि फिर कर दिया था बिल्ली ने हमला चूज़े पर और एक चूज़ा हमारा उठा के ले गई थी। दोस्तों आज भी उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा कि बिल्ली कहीं ना कहीं छुप के बैठी होगी लाजमी, और देख रही होगी रानी और इसके चूज़े बाहर आए और मैं दोबारा हमला करूँ। तो आज हमें रखना पड़ेगा रानी का और इसके चूज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल ताकि बिल्ली वगैरह हमला ना कर सके। और ये रानी अभी बहुत ज़्यादा बेताब होगी बाहर आने के लिए। और इसके चूज़ों का नाम भी रख देंगे आज इंशाल्लाह, रानी के चूज़ों का भी नाम रखते हैं आज इंशाल्लाह। और जो वो पायलट के साथ मुर्गी बंद है, बादशाह के साथ मुर्गी बंद है, उसका भी नाम रखते हैं। तो चलें रानी को और इसके चूज़ों को निकालते हैं बाहर। उसके अलावा दोस्तों स्नो को मैंने बंद किया आवाज़ यहाँ पे। स्नो भी माशाल्लाह फुल एक्टिव है और स्नो के आगे भी दाना वगैरह फेंका था, इसने सारा ख़त्म कर दिया। तो अभी स्नो को निकालेंगे बाहर, स्नो को निकालेंगे कबूतरों के साथ ही। और दोस्तों जो एक हमारा कबूतर बाकी कबूतर मार मार के जख्मी कर दिया था, उसको मैंने बंद किया है यहाँ पर। और इसकी भी हालत काफ़ी सीरियस ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। इसको मैंने ट्रीटमेंट किया है, तो अभी इसको भी निकालेंगे बाहर। तो ये देखें ज़रा मुर्गे दोबारा बोलना शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से बिल्ली आई कहीं छोड़ के बैठी हुई है, क्योंकि पायलट ने बजाया अलार्म, इसका मतलब है बिल्ली इधर ही कहीं मौजूद है। तो पहले चेक कर लेते हैं सारी जगह ताकि अगर कहीं बिल्ली है तो उसको भगाते हैं, उसके बाद रानी के चूज़ों को बाहर निकालते हैं। दोस्तों वो बैठी है बिल्ली सामने, तो पहले भगाते हैं बिल्ली को, उसके बाद जाके रानी को उसके चूज़ों को निकालेंगे बैठ, क्योंकि ये किसी भी टाइम जाके हमला कर सकती है। मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखें वो भागी है। ठीक है, शुक्र है पायलट ने कर दिया था अलर्ट। तो पायलट अगर ना बताता तो हम इसी तरह आके चूज़ों को निकाल देते बाहर और आज फिर हमारा नुकसान हो जाता। तो शुक्र है बिल्ली तो भाग गई है, अभी रानी को और इसके चूज़ों को भी निकालते हैं बाहर, क्योंकि रानी ने भी जंपे मार मार के अपने चूज आगे से सारे जख्मी कर लिए और चूज़ों को भी ये कर रही होगी जख्मी यकीनन। तो रानी को भी जल्द जल्दी बाहर निकालते हैं ताकि ये भी घूम फिर ले, भी खतरा कोई नहीं है। बिल्ली हमने भगा दी, आ जाओ रानी बैठ, चलो 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 चलो, जब मारो आज ये खाई है तुम्हारे लिए, टांगे टूट जाएंगी आज तक। और दोस्तों माशाल्लाह चेक करें ज़रा कितनी ऊँची ऊँची फ्लाई की इन्होंने। तो मैं तो समझा था कि टांगे ना टूट जाए, लेकिन इन्होंने सही फ्लाई की और बचत हो गई है। और माशाल्लाह सारे एक्टिव हैं, तो जल्द जल्द इनके आगे भी दाना वगैरह फेंकते हैं ताकि ये भी अपना दाना वगैरह खा लें। उसके बाद चुनु मुनु के आगे भी चारा फेंकना है और कबूतरों को भी चेक करना है, इनके बच्चों को भी, इनके अंडों को भी और जो कबूतर है उनको भी। दोस्तों माशाल्लाह रानी के आगे रख दिया दाना और रानी पहुंच गई अपने बच्चों को लेके। तो अभी ये यहाँ पे दाना खाने में मसरूफ़ है। तो दोस्तों देखें ना रानी के काम, ठीक है चूज़ों को लेके घुस गई अंदर ही ये, और सारा दाना भी ख़राब कर रही है और चूज़ों के ऊपर पाँव वगैरह भी रख रही है। तो सही तरह ये ना दाने को देख के तो एकदम पागल हो जाती है। तो अभी चले इसको खाने देते हैं जिस तरह खा रही है, हम चलते हैं जाके चुनु मुनु के लिए चारा लेके आते हैं ताकि चुनु मुन्नू भी अपना घास वगैरह खा लें जो भी उन्होंने खाना है। क्योंकि जो चुन्नू है ना वो सामने बैठा हुआ है काफ़ी टाइम से और मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे बुला रहा है। ठीक है, बार बार ये खड़ा होगा ना यहाँ पे जंपे मारता है और ये बजा रहा है अलार्म कि आओ मेरे लिए भी कोई दाना वगैरह लेके आओ। तो चलते हैं चुन्नू का इंतज़ार कराते हैं ख़त्म, ताकि ये भी अपना अपनी पेट पूजा कर ले। तो ये देखें ज़रा माशाल्लाह दोनों आ गए, चुन्नू भी आ गए मुन्नू भी आ गए। दोस्तों मैं चारा लेके आ गया हूँ और रानी और उसके चूज़े भी इधर घूम रहे हैं, मोहम्मद ने सही इनका ख्याल रखा है इनके। तो अभी चुन्नू मुन्नू का चारा फेंक देते हैं, इंतज़ार कराते हैं ख़त्म। ये देखें ज़रा किस तरह खड़ा हो गया। तो चारा मैं आज लेके हूँ काफ़ी ज़्यादा, इसमें से आधा फेंकते हैं चुन्नू मुन्नू के आगे और आधा रख देते हैं साइड पे जो फिर काम आ जाएगा। चलो चुन्नू मुन्नू खाओ। देखें दोस्तों माशाल्लाह ये खाना शुरू हो गए हैं। तो
दोस्तों चुनु मुन्नू के आगे भी चारा फेंक दिया है और ये भी अपने चारा खाने में मसरूफ़ हैं। तो इंशाल्लाह कल हम इनके लिए ब्रीडिंग सिस्टम बना देंगे वो वहाँ पे, ताकि जहाँ पे ये छुप के बैठ सकें और ब्रीडिंग अपनी स्टार्ट करें। तो अभी चलते हैं जाके बादशाह के आगे और राजे के आगे भी दाना वगैरह फेंकते हैं ताकि वो भी खा लें और फिर कबूतरों को भी निकालते हैं बाहर। क्लियर हो जी, खाओ खाओ। ये लो जी राजा जी। दोस्तों हमने किया ना कबूतरों को लैदा लैदा, ठीक है। तो अभी ये बहुत सुकून से रह रहे हैं सारे और आपस में कोई नहीं कर रहे लड़ाई वगैरह। ये देखें माशाल्लाह सारे बिल्कुल सुकून से बैठे हैं, कोई लड़ाई नहीं कर रहे। सिर्फ एक वो वाला जंगली कबूतर है वो पंगा करता है कभी कभी, लेकिन ये देखें जरा ये कभी कभी पंगा करता है, लेकिन ये इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। अभी सबकी दोस्ती होगी आपस में। तो अभी इनको निकालते हैं बाहर और इनके आगे फेंकते हैं दाना वगैरह ताकि ये भी अपना दाना खा लें। ये देखें माशाल्लाह अब तो फ्लाई करके बाहर आते हैं सारे। तो अभी आपको कराते हैं कबूतरों के बच्चे भी चेक और जो न्यू कबूतरी ने अंडा दिया वो भी दिखाते हैं अभी आपको, ठीक है। ये वाली कबूतरी ने भी अंडा दे दिया माशाल्लाह। चलो जी दाना इस साइड आ जाओ आ जाओ माशाल्लाह। दोस्तों ये फ्लाई करके आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है वो। रानी भी आ गई उधर से, ये मारेगी कबूतरों को। और चूजे किधर हैं तुम्हारे? चूजों के पास जाओ ना। ओए देखें दोस्तों रानी के उल्टे काम है सारे, चूजों को छोड़ के ये बागी भी इधर पायलट के साथ साथ इस साइड वो गंजी मुर्गी को मारने के लिए। तो अभी फिर ये चूजों को इसको ना इसका ख्याल रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और कबूतर तो अपना दाना पानी खाने में मसरूफ़ हैं। तो हम चलते हैं जाके कबूतरों के बच्चे भी चेक कर लेते हैं और इनके अंडे भी, और देखते हैं कि कबूतर जो है वो बच्चों को फीड वगैरह करा रहे हैं नहीं करा रहे। तो माशाल्लाह जोड़ा तो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो उम्मीद है कि फीड करा रहा होगा माशाल्लाह। दोस्तों देखें ज़रा दोनों ने हल्की हल्की आँखें खोल ली हैं। और उसके अलावा माशाल्लाह ये देखें दोस्तों कबूतरी ने एक और अंडा दे दिया आज माशाल्लाह, इसने भी दो अंडे दे दिए हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। और ये देखें माशाल्लाह कबूतरों ने आंखें खोल ली हैं कबूतरों के बच्चों ने। और माशाल्लाह दोस्तों कितने क्यूट लग रहे हैं ये। और ये देखें माशाल्लाह दो अंडे भी आ गए नए। और दोस्तों आज तो कबूतरों के खुंडे में आके दिल खुश हो गया, तो मेरा तो दिल कर रहा है कि कबूतरों के बच्चे देखी जाऊँ। जो ये वाली कबूतरी है ना वो जो फेरी है सामने, इसने माशाल्लाह दो अंडे दे दिए। दोस्तों माशाल्लाह चेक करें ज़रा, ठीक है। वाइट वाली कबूतरी किस तरह बच्चों को फीड करा रही है, दोनों को एक साथ फीड करा रही है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है, चेक करें ज़रा। दोस्तों दोनों को ठीक है एक साथ ही फीड करा रही है, ये देखें ज़रा, ठीक। चले इसको डिस्टर्ब नहीं करते तो फीड कराने देते हैं इसको। और इसका कबूतर जो है वो बाहर ही अभी खा रही है, ठीक है। तो जब कबूतरी फीड वगैरह करा लेगी तो फिर ये अंदर जाएगा और ये जाके इंशाल्लाह चूजों उनको अपने बच्चों को फीड वगैरह कराएगा। तो दोस्तों चलें जाके, जो बादशाह के साथ मुर्गी है उसका भी नाम रखते हैं और जो रानी के चूजे हैं इनका भी नाम रखते हैं जी। दोस्तों जो बादशाह के साथ मुर्गी है इसका नाम आज से रख दिया कोइन, तो आज से हम इसको कहेंगे कोइन। और जो इधर रानी और इसके चूजे हैं तो रानी के चूज़ों का नाम रख दिया हमने अर्बन गैंग। तो आज से हम रानी के चूज़ों को बोला करेंगे अर्बन गैंग और इसको बोला करेंगे कोइन, ठीक है। दोस्तों मैं आ रहा था स्नो को खोलने के लिए, लेकिन वो देखें ज़रा पायलट के उधर काम, पायलट कर रहा है बादशाह के साथ फाइट की तैयारी, ठीक है, लड़ने के लिए। और जो पायलट है ना इसके कील भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है, देसी मुर्गा ये, तो इसके कील भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। और जो बादशाह वो भी खुडे के अंदर ही है, कहीं ऐसा ना हो कि पायलट हल्का सा भी ठीक है उड़े और उसको ठीक है कर दे ज़ख्मी सही सख्त वाला, क्योंकि पायलट तो खुला है और जो वो बादशाह वो बंद ही है। आ जाओ स्नो। दोस्तों स्नो को छोड़ते हैं इधर नीचे ताकि स्नो भी 5-10 मिनट घूम फिर लो। जाओ स्नो घूमो फिरो। चलो 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 पायलट। दोस्तों पायलट को और मुर्गियों को बंद कर दिया है। उसके अलावा ये अंडा भी उठा लेते हैं इधर से, क्योंकि ये रात में रात को कहीं तोड़ ही ना दे। उसके अलावा आज तो बारिश उतरी है और इनका जो खुडा है ना ये भी सारा गीला हो गया। स्नो भी दोस्तों घूम फिर लिया काफ़ी टाइम, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर घूम रहे हैं और मोहम्मद इसको खिलाने की कोशिश कर रहा है मिट्टी, तो ये मिट्टी नहीं खाता मोहम्मद, ये खाता दाने वगैरह, ठीक है। और दोस्तों अभी स्नो को बंद करते हैं, उसके बाद जाकर रानी को और साथ अर्बन गैंग को भी बंद करते हैं क्योंकि उनको भी काफ़ी टाइम हो गया। तो चलें रानी को और चूज़ों को माशाल्लाह बंद कर दिया, तो अभी चलें जाके बादशाह को राजे को कोइन को और ये इस मुर्गे को भी बंद करते हैं। चलो 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 राजा जी चलो 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 चलो। दोस्तों माशाल्लाह तमाम परिंदों को बंद कर दिया और इनको अच्छे से डांप भी दिया ताकि रात को अगर बारिश कर रहा है तो अंदर पानी ना जाए। उसके अलावा यहाँ से अंडा भी उठा लेते हैं, तो दोस्तों अंडा भी उठा लिया। तो
दोस्तों ये थे मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।